आज के वीडियो में हम लोग ए से स्टार्ट होने वाले 10 ऐसे वर्ड के बारे में बात करेंगे या 10 ऐसे वर्ब के बारे में बात करेंगे जिसका इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश ट्रांसलेशन में बहुत ज़्यादा यूज होता है और ये हमेशा बहुत इम्पोर्टेंट ही रहा है, हमेशा इस सारे वर्ड को यूज होता है। तो आज के वीडियो में ए से बताऊँगा, कल के वीडियो में बी से बताऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले नंबर पे क्या है, अरेस्ट। ए डबल आर ई एस टी, अरेस्ट। अरेस्ट मीन्स क्या आता है, गिरफ्तार करना। सेकंड नंबर पे हो जाएगा अलर्ट, ए एल ई आर टी, अलर्ट। अलर्ट मीन्स क्या होगा, चेतावनी देना। थर्ड नंबर पे होगा एक्सेप्ट, ए डबल सी टी टी एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, यानी स्वीकारना। फोर्थ नंबर पे होगा अरेंज, ए डबल आर ए एन जी, अरेंज। अरेंज मीन्स क्या करना, व्यवस्था करना, प्रबंध करना, कोई चीज़ का जुगाड़ करना, व्यवस्था करना। फिफ्थ नंबर पे होगा अराइज, ए आर आई ए सी, अराइज। अराइज, अराइज मीन्स क्या होता है, उठना। सिक्स नंबर पे होगा एब्यूज, ए बी यू एस सी, एब्यूज। तो क्या करेंगे, एब्यूज। एब्यूज मीन्स क्या होता है, गाली देना। सेवंथ इम्पॉर्टेंट वर्ड है आंसर, ए एन एस डब्ल्यू ई आर, आंसर। इसको क्या पड़ेगा, आंसर। आंसर मीन्स उत्तर देना। एट नंबर पे है आस्क, ए एस के आस्क, बहुत छोटा है, आसान भी है। आस्क, आस्क मीन्स पूछना। नाइन्थ इम्पोर्टेंट वर्ड है अराइव, ए डबल आर आई वी ए, अराइव। अराइव मीन्स क्या होता है, पहुँचना। टेंथ नंबर पे है एडवाइज, एडवाइज मीन्स क्या होता है, सलाह देना। ए डी वी आई एस सी, एडवाइज। एडवाइज मीन्स सलाह देना। तो ये 10 इम्पोर्टेंट वर्ड है दोस्तों, इसको जल्दी से रट लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये इंग्लिश ग्रामर में और इंग्लिश ट्रांसलेशन में बेहतरीन यूज होने वाला है, ज़बरदस्त इसका यूज होता है। इसके बाद मैं बी के बारे में बताऊँगा, सी के बारे में, डी के बारे में बताऊँगा, और एक पूरा लॉन्ग वीडियो बनाऊँगा जिसमें ए टू जेड 100 या 111 वर्ड होंगे टोटल। तो इस प्रकार की रेगुलर वीडियो पाना चाहते हो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सीधा मैसेज आपके पास चला जाए। आज के वीडियो में इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।